खुद को जानने की, पहचानने की और खुद की हाईएस्ट वर्जन की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, हमारी जो ये जो जर्नी है इसको हम इजी बना रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन किताब के साथ, जिसका नाम है आस्क एंड इट इज गिवन, रिटन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स, टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। दोस्तों, ये किताब में हमने फर्स्ट पार्ट में ये सीखा कि एग्जैक्टली हमारी जिंदगी चलती कैसी है। जो भी चीजें हमारे पास हैं, जो भी सराउंडिंग हमारे पास है, जो भी सिचुएशन हमारे पास है, वो सबका सब कौन क्रिएट किया है? हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। तो जो भी चीज हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि हम ही क्रिएटर हैं। लेकिन कुछ अनवांटेड चीजें हैं जो कि हमें दिख रही है, जो वांटेड चीजें हैं वो हमें नहीं दिख रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे अंदर डाउट्स हैं, रेजिस्टेंट है। अगर हम उस रेजिस्टेंट को कम कर देते हैं तो हमारे पास वो सब कुछ ऑलरेडी है, वो हमें दिखने लग जाता है फिजिकल वर्ल्ड में। तो अभी हम इस सेकेंड वाले इस पार्ट में ये डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ये जान रहे हैं कि अपने अंदर की वो रेजिस्टेंट को कम या फिर खत्म कैसे किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों, अलग अलग इमोशनल सेट पॉइंट्स के लिए अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप इमोशनल सेट पॉइंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप पहले फर्स्ट पार्ट पढ़िए, जानिए, समझिए, उसके बाद आप प्रोसेस के पास आइए। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन में मत कीजिए या फिर जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आप ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं ये आप खुद के साथ कर रहे हैं, खुद की जिंदगी के साथ कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं आप अपने रिस्क में ही कीजिए और अच्छी तरह से चीजों को सोच समझ के कीजिए। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस 15, द वॉलेट प्रोसेस। देखिए, वॉलेट प्रोसेस नाम ही ऐसा है कि आपको पता चल रहा है कि ये पैसों के बारे में है। ठीक है, अगर आप अपने जिंदगी में ज्यादा पैसा चाहते हैं, अगर पैसे को लेके आपकी जो फीलिंग्स है उसको आप बदलना चाहते हैं, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अलग अलग इमोशनल सेट पॉइंट के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो इसका जो इमोशनल सेट पॉइंट है वो रेंजिंग बिटवीन होपफुलनेस टू डिस्करेजमेंट। अगर आपकी फीलिंग्स कहीं इसके अंदर हैं, ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम डिस्कस करते हैं, प्रोसेस की ओर चलते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारी जिंदगी में जो भी है, अगर हम आज के टॉपिक में अगर हम बात करें, तो अगर सिर्फ हम पैसों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कम काम करके भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, कम पढ़े लिखे होके भी ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग कम पैसा कमाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना कैपेबल हैं, आपकी पुश्तैनी क्या जायदाद है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें मैटर नहीं करता कि आप अमीर बनेंगे या गरीब बनेंगे। ठीक है, अमीरी एक सोच होती है, पैसा जो है, एबंडेंस जो है, वो आपके सोच में है। वो फिजिकल वर्ल्ड में तभी आएगी जब आप उसको अपने सोच में लाएंगे। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, हम थोड़ी कोई सोचते हैं कि नहीं हम गरीब बन जाए। नहीं, हम देखिए, हमको लगता है कि हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा हम कैसे खुद ब खुद खुद को गरीब सोचते हैं, है ना। चीजों को हम देना नहीं चाहते, हमेशा किसी से ले आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? देना नहीं चाहते, इसका मतलब क्या है? हमारे पास नहीं है, या फिर हमें खत्म हो जाने की डर है, या फिर हम अपनी कैपेबिलिटी को डाउट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कोई बहुत अच्छी चीज देखते हैं, हमें वो मन करता है खरीदने की, लेकिन फिर हम बोलते हैं चलो यार ये हमारे बस की बात नहीं है। जब आप अपने आप को ऐसे बोल रहे होते हैं तो आप खुद सोचिए, आप अपने आप को नीचा दिखा रहे होते हैं, आप अपने आप को बोल रहे होते हैं कि तू गरीब है, पैसे तेरे पास नहीं है, तो फिजिकल वर्ल्ड में वो कहाँ से आएगी, है ना। अगर कोई चीज को आप देख के आप खुद को ये बोले कि कैसे पा सकते हैं, तो सोचिए ये एक कितना एम्पावरमेंट वाली बात है। देखिए, सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है यार, प्रैक्टिकल चीजें हैं, है ना। अगर आपको एक कार चाहिए, आप
आप सिर्फ ये बोल देते हैं जो ये हमारे बस की बात नहीं है, तो आप वो कार को भी खोते हैं, अपनी मानसिकता को भी लो करते हैं और आपकी सेल्फ एस्टीम भी लो होती है, लेकिन उसी जगह पर उसी कार को देख के। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि ये कार मुझे बहुत पसंद है, हर हाल में चाहिए, इसको मैं कैसे पाऊं, अगर आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपकी आंसर आपको खुद के अंदर मिल जाती है, क्योंकि आप इतने कैपेबल हैं। ठीक है, तो ये जो मानसिकता है ये क्या है, ये जो अबेंडेंस है, वो जो कार है, वो जो पैसा है, वो कहाँ पर है, आपकी सोच में है। ठीक है, तो ये जो वॉलेट वाली प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए यूज करेंगे ताकि हमारे अंदर पैसे को लेके जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स बने, वो फीलिंग्स बन के बहुत देर तक हमारे साथ रहे, ताकि हमारी वाइब्स चेंज हो, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए आप एक 1 लाख का चेक ले लीजिए और अपने पर्स में डाल लीजिए। ठीक है, पर्स में आपने डाल लिया, माइंड में ये रखिए कि मेरे पास 1 लाख का चेक है। तो आप कहीं से गुजर रहे हैं, आप सोचिए मेरे पास तो 1 लाख है, इससे मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ, तो आप बहुत बेहतरीन सी चीजें देखने लग जाएंगे। फिर मान लीजिए और एक कहीं से गुजर रहे हैं, और एक शॉप से गुजर रहे हैं, वहां पर भी आप सोचिए कि मेरे पास 1 लाख तो है, मैं इससे क्या क्या खरीद सकता हूँ। तो देखिए, जब आप ये लिस्ट बना रहे हैं कि उस 1 लाख को मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूं, तो आप उसी 1 लाख को मेंटली बहुत बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकली आपके पास 1 लाख है या नहीं है मैटर नहीं करता, आप उसको मेंटली जो खर्चा कर रहे हैं, आप उसी वाइब्स में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं जब आप लिस्ट बना रहे हैं विथ ऑल पॉजिटिविटी। उसमें डाउट्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको सोचना ही है यार, सोच के मजे लेना है, दैट्स इट। और इसको अगर आप आदत बना लेते हैं, तो आप फिर वही कॉन्स्टेंटली वही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और आपके पास पैसा अपने आप आने लग जाता है, आपकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से गिरेंगे, आपको कुछ ना कुछ आइडियाज आ सकते हैं, कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो जो हाउ है वो तय करना यूनिवर्स का काम है, वो मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना है कि व्हाट एंड व्हाई, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, इस पैसे से आपको क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है, लिस्ट बनाते जाइए, दैट्स इट। सिंपल सी बात है। और जब आपके पास पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाए, मान लीजिए आपकी सैलरी बढ़ जाती है, या फिर आपको कहीं से एक अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं, ऐसा कुछ अगर हो जाते हैं, तो आप फिर जो जो 1 लाख वाला चेक है उसको बढ़ा दीजिए, 10 लाख कर दीजिए, 1 करोड़ कर दीजिए, 10 करोड़ कर दीजिए, और सोचते रहिए कि 1 करोड़ में क्या क्या मैं खरीद सकता हूँ, अगर 10 करोड़ मेरे पास आ जाते हैं तो मैं क्या क्या करूंगा, है ना। तो देखिए, बेसिकली ये प्रोसेस जो है इसी के लिए ही बना हुआ है, ताकि आपकी फीलिंग्स जो है पैसे को लेके बदले। ठीक है, आप और ये जो 1 लाख का जो चेक है, चाहे वो फेक हो, लेकिन वो आपकी फीलिंग्स को चेंज करा रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, हर चीज फेक हो सकती है, आपकी फीलिंग्स कभी फेक नहीं होती। आप जो फील करते हैं वही सिग्नल आप यूनिवर्स को देते हैं, और यूनिवर्स का काम ही है वो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट होता है, वो आपको रिटर्न करके ही देता है। इसी विश्वास के साथ आप अपने इमोशनल सेट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को ऑनेस्टली फॉलो कीजिए, बुक के थ्रू जरूर जाइए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।